वह लड़का जो है दतवन करते हुए निकल रहा था, तो ये जो है तलवार निकाल के दौड़ा के मार दिया, पूरा गर्दन छट गया। एक जमीनी विवाद में जो करीबन 40-45 साल से दो पक्षों के मध्य चल रहा था, मैं और डीएम साहब मौके पर हैं। दिवाली से एक दिन पहले जौनपुर में हुए खौफनाक हत्याकांड की गूंज दिवाली के दिन भी सुनाई दे रही है। एक बुजुर्ग और बेबस माँ की चित्कार चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो पूछ रही है, सबके घर तो दिवाली में रोशन है, फिर मेरे घर का चिराग क्यों बुझ गया। दरअसल बुधवार को दिवाली से पहले एक खौफनाक हत्याकांड से जौनपुर दहल उठा। एक माँ चित्कार कर रही है, गोद में बेटे का कटा हुआ सिर और धर अलग है। सोचिए, जब पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा है, उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उस माँ के दर्द को आवाज दी है सूबे के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। इस वारदात वाली खबर को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है, आज की सरकार और अपराध में एक अजीब सा विरोधाभासी संबंध है। एक तरफ दोनों साथ साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जितनी कमजोर और निष्क्रिय होती जा रही है, अपराधी उतने ही ताकतवर और सक्रिय होते जा रहे हैं। जौनपुर में हुए खौफनाक हत्याकांड के बारे में बताया जा रहा है कि गौरा बादशाहपुर थाना इलाके के कब्रुद्दीनपुर गांव में बुधवार सुबह अपने घर के बाहर अनुराग यादव मंजन कर रहा था, तभी पड़ोस का एक युवक अपने घर से तलवार लेकर आया और अनुराग का तलवार से ही गर्दन काट कर अलग कर दिया और अपना घर छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना के बाद डीएम और एसपी समेत कई थानों के फोर्स मौके पर पहुंची। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद घर के अंदर छुपे आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे की वजह जमीन विवाद है। बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की एक जमीन है जिसको लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। उसी को लेकर बुधवार की सुबह अनुराग यादव अपने घर के बाहर मंजन कर रहा था, तभी पड़ोसी तलवार लेकर आया और उसके गर्दन पर वार कर गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और मौके से फरार हो गया। मामला यह था कि जमीन का विवाद था, तो ये जान लीजिए जब से रिटायर होके आया है तब से पूरे खानदान को परेशान किया है। सुबह वो लड़का जो है दतवन करते हुए निकल रहा था, तो ये जो है तलवार निकाल के दौड़ा के मार दिया, पूरा गर्दन छट गया। उसके बाद जो है लगभग एक साल से रिटायर होके आया है और ये ग्राम समाज की ज़मीन है, इसमें इतना ये विवाद करके इतना जो है मुकदमा कर दिया है कि जमीन के लेके ये हत्या किया है। ये एक ज़मीनी विवाद में जो करीबन 40-45 साल से दो पक्षों के मध्य चल रहा था, उसमें रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो दूसरे जो जिनके साथ विवाद था उनके ऊपर हमला करके उसकी हत्या की गई है। इसमें फिलहाल मैं और डीएम साहब मौके पर हैं और घटनास्थल का मुआयना किया गया है और कुछ जो अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई इसमें विधि कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस अनुराग यादव की हत्या हुई है वो जौनपुर के राज कॉलेज में इंटर का छात्र था और एक कुशल ताइक्वांडो खिलाड़ी। उसने चंदौली में इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक और नोएडा में ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।